हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमेलेशिया के बारे में। ये प्रॉब्लम बच्चों को आजकल बहुत होने लगी है। दोस्तों, आखिर पहले हम इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो पेरीवेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल के चारों तरफ जो एक हमारा जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं और उस वेंट्रिकल के चारों तरफ व्हाइट मैटर होता है। उस व्हाइट मैटर में डैमेज होने के कारण, उसमें इंजरी होने से जो प्रॉब्लम होती है, उसी को हम पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमेलेशिया कहते हैं। ऐसे बच्चे जो समय से पहले पैदा होते हैं, जिसे हम प्री मेच्योर बेबी कहते हैं, उन बच्चों को यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। वेंट्रिकल्स के चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें ब्लड फ्लो में चेंजेस होना इसका एक प्रमुख कारण माना जाता है। चूंकि यह जो एरिया होता है बहुत फ्रेजाइल होता है और इंजुरी के लिए प्रोन होता है, इसलिए यह समस्या ज्यादा होती है। ऐसे बच्चे जो 32 वीक के मींस 32 वीक्स के पहले पैदा होते हैं, उन बच्चों को यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। डिलीवरी के समय इंफेक्शन होना भी इसका एक कारण हो सकता है। पेरीवेंट्रिकुलर एरिया में ऑक्सीजन की कमी होने से या ब्लड फ्लो की कमी होने से जो ब्रेन के सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और बच्चे को पीवीएल या पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमेलेशिया हो जाता है। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि आखिर ये जो ब्रेन डैमेज हुआ है, इसके कारण क्या होता है। तो दोस्तों, इस एरिया में जो नर्व फाइबर होते हैं, उनका काम होता है कि बॉडी से जो हमारे ब्रेन से जो सिग्नल आते हैं उसको मसल्स तक लेकर जाते हैं। अब चूंकि यह पार्ट ब्रेन का डैमेज हो गया है, तो जो सिग्नल है वो मसल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो बच्चे का जो मोटर फंक्शंस होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, मोटर डेवलपमेंटल डिले होता है, बच्चा बैठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता, उसका मानसिक विकास में भी प्रॉब्लम होती है, बच्चे के कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, उसको देखने की क्षमता, उसकी जो सुनने की क्षमता है वो भी बच्चे की प्रभावित होती है। दोस्तों, अब हम आते हैं इस बीमारी के ट्रीटमेंट के ऊपर। तो इस बीमारी का सपोर्टिव ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बहुत अच्छा है, क्योंकि चूंकि यहाँ पर बच्चे का ब्रेन डैमेज हुआ है और ब्रेन के रिपेयरिंग के लिए आयुर्वेद में अनेक मेद्य रसायन कहे गए हैं, स्वर्ण प्राशन कहे गए हैं, अनेक औषधियां ऐसी बताई गई है जो बच्चे के ब्रेन को डेवलप करती हैं, बच्चे के ब्रेन को रिपेयर करती हैं। इसमें से कई औषधियों का नाम आपने सुना भी होगा, जिसे हम ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वचा, जटामानसी, ज्योतिषमती, तगर आदि अनेक ऐसी औषधियां, अमृत तुल्य औषधियां आयुर्वेद में बताई गई हैं, जो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में काफी हेल्पफुल होती है। तो यहां पर हमें बच्चे के लिए जो होती है अनेक प्रकार की मेद्य रसायन औषधियों का प्रयोग करते हैं, जिससे बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है। इसी के साथ साथ हम बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए पंचकर्म थेरेपी का प्रयोग करते हैं, जिससे कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो धीरे धीरे जो बच्चे के माइलस्टोन होते हैं वो डेवलप होते हैं और बच्चे में ये सारी चीजें धीरे धीरे आने लगती है। दोस्तों, अगला प्रश्न यह है कि इस बीमारी को क्या हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं या कितना ठीक कर सकते हैं। तो यह डिपेंड करता है कि उसमें बीमारी की सीवियरिटी कितनी है, बच्चे का ब्रेन डैमेज कितना हुआ है। अगर बच्चे का ब्रेन डैमेज कम हुआ है तो उसमें बहुत ही माइल्ड सिम्टम होते हैं, तो उस बच्चे में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन यदि बच्चे का ब्रेन डैमेज ज्यादा हो गया है, तो इसमें समय लगता है और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। तो ये बच्चे की कंडीशन को देखकर, कितना ब्रेन डैमेज हुआ है उस स्थिति को देखकर यह बताया जा सकता है। लेकिन इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट आयुर्वेद बहुत अच्छा है और हम आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के द्वारा इसमें हम बच्चे को काफी अच्छा, बेटर देन फील करा सकते हैं। और इसमें आपको आयुर्वेद का ट्रीटमेंट जरूर अपने बच्चे को कराना चाहिए। जय आयुर्वेद।